अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ख्वाब में बिल्ली देखना, बिल्ली को मारना, बिल्ली का काटना, बिल्ली का घर में आना, बिल्ली का कोई चीज़ खाना वगैरह की ताबीर क्या है? हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में बिल्ली फसादी चोर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मालूम बिल्ली उसके घर में आई है, दलील है कि मारूफ चोर उसके घर में आएगा, और अगर नामालूम बिल्ली देखे तो नामालूम चोर होगा, और अगर देखे कि घर से कोई चीज़ खा गई है या ले गई है, दलील है कि चोर उसके घर से कोई चीज़ ले जाएगा, और अगर देखे कि बिल्ली को मारा है, दलील है कि चोर को मारेगा और मगलूब करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में देखे कि उसने बिल्ली का गोश्त खाया है, दलील है कि उसको उसी कदर चोर का माल हासिल होगा, और अगर देखे कि बिल्ली के साथ जंग करता है और बिल्ली ने उसको खराश लगाई है, दलील है कि बीमार होगा। अगर बिल्ली को मगलूब किया है, दलील है कि बीमारी से शफा पाएगा, और अगर बिल्ली ने उसको काटा है, दलील है कि उसकी बीमारी और लंबी होगी। और बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि बिल्ली तावील में खादम है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स बिल्ली ख्वाब में सुबह से पहले देखे वो 6 रोज़ तक बीमार रहेगा, और अगर ग़ुलाम ख्वाब में देखे कि उसने बिल्ली का दूध धोकर पिया है कि आज़ाद होगा, और जिस घर से वो आज़ादी पाएगा किसी औरत से शादी करेगा, और अगर आज़ाद देखे कि उसने बिल्ली का दूध पिया है, दलील है कि उसकी किसी से लड़ाई होगी। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में बिल्ली देखने की 7 ताबीरें हो सकती हैं। नंबर 1 चोर, नंबर 2 चुगलखोर, नंबर 3 नौकर, नंबर 4 बीमारी, नंबर 5 मेहरबान औरत, नंबर 6 हसद, नंबर 7 लड़ाई और झगड़ा।